मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को हल्के से दबाएं। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए मैं अपनी टॉपिक पे आता हूँ। तो आज मैं शुरू करता हूँ नंबर सिस्टम। तो आप दोस्तों मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्तों सबसे पहले हम लोग को टॉपिक जो पढ़ना है वो टॉपिक रियल नंबर का है। रियल नंबर से जानने से पहले हम लोग कुछ नंबर के बारे में जानते हैं। तो पहला नंबर में लिखिएगा दोस्तों नेचुरल नंबर। जैसा कि आप जानते होंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप ढेर सारा लिख सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, होल नंबर। लिखिएगा दोस्तों ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 etc. तो दोस्तों इससे दो क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया था आपको, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो सही है या गलत इस बॉक्स में बताएं। दूसरा क्वेश्चन, 0 इज होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। चूंकि मैंने लिखाया था कि ऑल काउंटिंग्स नंबर्स आर नेचुरल नंबर, लेकिन देखिए दोस्तों होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए यह जो मेरा टर्म क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और 0 जो है एक होल नंबर है, और बोल रहा कि वी नोच नेचुरल नंबर, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है,
इसलिए ये सही बात है। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हुआ, अब मैं चलता हूँ इंटीजर की तरफ। लिखिएगा इंटीजर्स, डिफिनेशन लिखिएगा ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ ए नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, और बोला गया जीरो, जीरो तो 1 से पहले आता है, और नेगेटिव ऑफ ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, सब में बोला गया नेगेटिव लगाने के लिए, तो मैंने सब में नेगेटिव लगा दिया। ये क्या हो गया हम लोगों का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो इससे भी दो क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। और हम चाहेंगे क्या कि प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट आपका क्लियर होते चले, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा जा रहा है, लिखिएगा क्वेश्चन। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, देखिए यहाँ से जो दिया गया है जितना भी है सब नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है तो इंटीजर भी है, इसलिए ये सही बात है। और बोला एवरी होल नंबर, देखिए होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो ही होल नंबर है, इसलिए इसकी क्या चीज़ है, मेरा इंटीजर है, ये भी मेरा सही बात है। तो यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, री लिखिएगा, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब सीधी सीधी बातों में कि कोई भी इंटीजर को हमको क्या करना है, एक नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन में बहुत ही सिंपल है, एक हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैंने किया, आप भी कर सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट साइड में एक्सटेंडेड पॉइंट को वाई नाम दे दिया, और राइट साइड में एक्स नाम दे दिया, और दोनों के मिड पॉइंट में आप क्या इंडिकेट कर देंगे यार, जीरो इंडिकेट करेंगे, और इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, ओ पॉइंट का नाम दे देंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीरो के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, यानी कि प्लस में आता है, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। और माइनस भी लेफ्ट साइड में क्या आता है, माइनस में आता है, इसलिए माइनस में लिख दीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि
जीरो से लेके वन हो या वन से टू हो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह हमेशा आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दोनों के जैसे जीरो से वन के बीच को डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वन यूनिट बोलते हैं। उसी तरह अगर पूछा जाए कि वन से टू क्या कितना यूनिट होगा, तो आप क्या बोलिएगा, टू यूनिट होगा। जीरो से थ्री क्या होगा, थ्री यूनिट होगा। तो आज का दोस्त बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।